हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला ढाबा स्टाइल अंडा करी। तो अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 पीस बॉयल अंडे लिए हैं, जिसे कि मैंने पहले से छिलका उतारकर रख लिया था। अब सबसे पहले हम सारे अंडों में फॉर्क की सहायता से छेद करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी मसाले हैं और नमक है वो अंडा के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो आप इसे फॉर्क की सहायता से भी चारों तरफ से ड्रिल कर सकते हैं, या तो फिर चाकू की सहायता से इसे बीच बीच से कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे अंडे में मैंने छेद कर दिया अच्छी तरीके से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें कि हम डालेंगे सरसों का तेल। अंडे को फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहो तो अंडे को रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम तेल को पूरी तरीके से गर्म होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे सरसों का तेल है, तो अगर हल्का सा भी अगर कच्चे तेल में आप अंडा डालोगे तो वो चिपकने लगेगा आपकी कढ़ाई से। तो आप पूरी तरीके से अच्छे से गर्म कर लें। फिर उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर। आप यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम रखें, नहीं तो जीरा है और हल्दी है वो जल जाएगा। हल्का सा जीरा चटक जाए उसके बाद हम सारे अंडे को इसमें डाल देंगे। अंडा डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका जो ऊपरी लेयर है हल्का गोल्डन ना हो जाए और उस चारों तरफ से क्रस्ट ना आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे अंडे का कलर है वो कितना अच्छा हो गया है, ऊपरी लेयर भी बहुत अच्छा दिख रहा है इसका। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से अच्छे से अंडे को चलाते हुए फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई होने में हमारा 2 से 3 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और सारे अंडे को निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में जो हमारा तेल है वो बचा हुआ है, तो हमें एक्सेस ऑयल नहीं डालना है और तेल पहले से गर्म भी है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 डालने के बाद हम इसे चलाएंगे एक मिनट के लिए, ताकि जब 1/2 फोरन है वो गर्म तेल में अच्छे से चटक जाए। जब फोरन अच्छी तरीके से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम झट अंडा करी बना रहे हैं, तो समय को बचाते हुए तीनों को एक साथ आप पीस लें, ताकि तीनों मसाले अच्छे तरीके से भून जाए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम होगा और टेस्ट वैसे ही लाजवाब। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और कलर चेंज ना हो जाए। आप गैस के फ्लेम को मीडियम रख के ही धीरे धीरे भूनें। जैसे जैसे ये पेस्ट आपका भूनता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी। आप देख सकते हैं कि पहले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, अब भूनने के बाद कितनी थोड़ी सी हो गई है। और 3 से 4 मिनट में अच्छी तरीके से ये भून गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और चारों तरफ से तेल भी इसने छोड़ने लगा है। तो हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर मैंने अंडा फ्राई करने के टाइम में भी डाला था, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कम डालें। लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये यहाँ पे मैंने तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून गुलकी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। बस सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट तो पहले से भून चुका है हमारा। मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि कोई भी मसाले हमारे जले ना। मैंने जो भी मसाले इसमें डाले हैं बहुत ही बेसिक डाले हैं, ताकि आप इजिली पहली बार भी अंडा करी बना रहे हैं तो बना सकते हैं। हल्का सा पानी देते हुए मसाले को भूनें, ताकि अच्छी तरीके से मसाले पेस्ट में मिक्स हो जाए और ये कढ़ाई में सटे ना हमारा। जब मसाले आधे भून जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और फिर से मसालों को चलाते हुए हम धीमे लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाएंगे। दोस्तों, अंडा करी तो बहुत तरीके से बनाई जाती है और बहुत सारे मसाले डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको झटपट और टेस्टी बनाना है तो कम समय में इजली कम मसाले डालकर आप इसे टेस्टी बना सकते हैं। बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप मसालों को कितनी अच्छी तरीके से भूनते हैं। अगर आपने मसालों को अच्छी तरीके से भूना है तो आपका अंडा करी भी बहुत अच्छी तरीके से बनेगा।
तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक लगातार मसालों को अच्छे तरीके से भुना है चलाते हुए, और मेरा मसाले का जो कलर है वो भी चेंज होने लगा और चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। जब मसाले सारे भून जाए तो लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने अभी तक कहीं पे भी ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि हमारा अंडा भी इसमें जाएगा तो वो भी नमक को एब्जॉर्ब करेगा। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारे मसाले भून चुके हैं। अब हमें इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 1 बड़ा गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना इसमें पानी डाल सकते हैं, या तो फिर सिर्फ सूखे मसाले में भी अंडा डालकर आप उसे खा सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें 1-1 करके सारे अंडे को डाल देंगे और फिर एक बार इसे चला देंगे। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करी हूँ चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता। लीड की सहायता से ढक देंगे और ग्रेवी को थोड़ा सा ठीक होने तक पकाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, हमारी जो अंडा करी वो बनके तैयार है, इसकी ग्रेवी भी ठीक हो चुकी है। इतनी ग्रेवी के साथ आप इसे कोई भी रोटी, नान, पराठा या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म एक बर्तन में सर्व करते हैं। आई होप मेरे आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।